प्रदेश के शिवपुरी गुना में दलित किसान की पुलिस द्वारा मारपीट के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी शिवपुरी द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के नाम शिवपुरी अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में दलित किसान पर पुलिस और प्रशासन द्वारा किए गए अत्याचार, मारपीट और पीड़ित परिवार पर एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय दंडाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, मोहित अग्रवाल अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी शिवपुरी द्वारा बताया गया कि आपको मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार द्वारा गरीब मजदूर एवं किसानों के विरोध लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के गुना में गरीब दलित किसान परिवार पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर दी गई। शहर कांग्रेस एवं समस्त कांग्रेस जन उक्त घटना की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दोषियों के विरोध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं पीड़ित गरीब परिवार पर दर्ज प्रकरण को हटाया जाए एवं अचेत मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन देते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें मोहित अग्रवाल शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, रघुराज यादव जिला अध्यक्ष कार्यालय प्रभारी, मुनिष्मन कोड़े जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, हरीश खड्डी जिला अध्यक्ष सेवा दल, योगेश करारे करेरा, संजय शर्मा, राजा बाबू कुशवाहा, नलीन पंडित, सत्येंद्र संतोष सिंह गुर्जर जिला सचिव, हाफिज रहमान खान, ब्रजेंद्र सिंह चौहान आईटी सेल सोशल मीडिया प्रभारी, आजाद खान, पुनीत शर्मा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आदि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। और हमें सबको पता है कि गुना में जो दलित परिवार पे अत्याचार हुआ है, उनका मकान तोड़ दिया गया, उनकी फसल तोड़ दी गई, पूरी उजाड़ दी गई, जिसकी वजह से उन्हें जहर खाना पड़ा और फिर उन पे कार्रवाई भी की गई, उनके परिवार के 7 लोगों पे मामला दर्ज किया गया, न्याय तो नहीं दिया।